हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर एज अ कंज्यूमर हमारे डे टू डे लाइफ में भी ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जब कस्टमर को उनके राइट्स के बारे में या उनके अधिकारों के बारे में पता होता है तो कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। ओके, तो ऐसे कौन से कंज्यूमर्स को राइट्स मिले हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मतलब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट जब परचेस करता है या कोई भी सर्विस वगैरह कस्टमर परचेस करते हैं तो वो प्रोडक्ट या वो सर्विस कस्टमर के हेल्थ या लाइफ के लिए हजार्डस नहीं होना चाहिए। हजार्डस मतलब कि डेंजरस नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये पर्टिकुलर जो राइट है, राइट टू सेफ्टी, ये कस्टमर को किसी भी डेंजरस प्रोडक्ट और सर्विसेज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सेफ रखता है। ना ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है, तो जैसे कि मेडिसिन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए या फूड प्रोडक्ट्स हो गए, इनमें क्या हो सकता है कस्टमर के लिए ये हजार्डस हो सकते हैं। जैसे कि मेडिसिन है या फूड प्रोडक्ट्स है, इसकी अगर एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है तो वो ऑब्वियसली कस्टमर के हेल्थ को और लाइफ को डेंजरस हो सकता है। या कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गया, जैसे मिक्सर हो गया, या फिर आप दूसरा कोई एग्जांपल ले लो जैसे कि कुकर वगैरह हो गया, तो ये प्रोडक्ट ऐसे है कि अगर सपोज ये प्रॉपर क्वालिटी के नहीं रहेंगे तो इसमें ब्लास्ट हो सकता है और ब्लास्ट की वजह से जो है वो कंज्यूमर के लाइफ के लिए वो डेंजरस हो सकता है। सो ये प्रोडक्ट बेचते समय कस्टमर ने थोड़ा सेलर ने थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के बेचना चाहिए और कस्टमर ने परचेस करते समय थोड़ा सा केयरफुली उसको देख के जांच के वो प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। अभी कैसे कस्टमर को पता चलेगा अच्छी क्वालिटी का गुड्स है कि नहीं, तो जब भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, जैसे कि सपोज मिक्सर खरीदा या कुकर खरीदा, तो ISI मार्क देखना चाहिए कि ISI मार्क अगर रहेगा मतलब वो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है। सो कुकर, मिक्सर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर खरीदे तो उसके ऊपर ISI मार्क देखो। इवन आयन वगैरह हम लोग खरीदते हैं, इस्त्री वगैरह, तो उस पर भी हम लोग को ये मार्क देखना जरूरी है। FSSAI, कोई भी फूड प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, तुम लोग चिप्स खरीदते हो या कोई भी खाने पीने की चीज अगर खरीदते हो तो उसके पैकेट के पीछे ये मार्क देखना जरूरी है। ये मार्क का मतलब क्या होता है कि वो फूड प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली टेस्टेड है और वो हमारे लिए सेफ है करके। उसके साथ साथ जो भी एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं उसके ऊपर एग मार्क देखना बहुत जरूरी होता है। उसी के साथ साथ BIS कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर BIS मार्क देखना जरूरी है। तो ये सारे जो मार्क्स है वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो उसका क्वालिटी काफी अच्छा है और हमारे लिए वो सेफ भी है। तो या फिर हम लोग कभी भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट वगैरह हम लोग को देखना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से कंज्यूमर का एक अधिकार है कि पूरी तरीके से उसको डेंजरस या हजार्डस प्रोडक्ट से सुरक्षितता मिलना चाहिए। सेकेंड कंज्यूमर का राइट है वो है राइट टू चूज। नाउ राइट टू चूज का मतलब क्या होता है, राइट टू सिलेक्ट, मतलब मार्केट में क्या होता है कि अलग अलग वैरायटी के गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि टेलीकॉम हो गया, हमारे पास वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, बहुत सारी वैरायटी है। ट्रैवल एंड टूर्स, हमको अगर कहीं पे घूमने फिरने के लिए जाना है तो हमारे पास ट्रैवल और टूर्स के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि हम लोग अलग अलग मोड से जा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एरोप्लेन से जा रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कंपनीज होती है जिसके प्लेन से हम लोग जा सकते हैं, या अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। अलग बैंक होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं सिलेक्ट करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी बहुत सारी वैरायटीज वगैरह होती है। इवन FMCG जब हम लोग खरीदते हैं, FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे नमक हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि कस्टमर के पास पूरा फ्रीडम है कि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने लाइकिंग के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। यहाँ पे कोई भी सेलर कस्टमर को कंपेल नहीं कर सकता है। कंपेल मतलब क्या, कंपल्सरी करना या उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करना कि आप लोग यही प्रोडक्ट परचेस करो। जैसे कि मैं किसी शॉप में अगर गया और मुझे अगर कोई भी सिम कार्ड खरीदना है तो कोई मुझे ऐसे नहीं बोल सकता कि आप जियो का ही खरीदो या आप एयरटेल का ही खरीदो। या किसी ट्रैवल कंपनी के पास अगर मैं जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि मुझे घूमने के लिए जाना है तो मुझे कंपल्सरी नहीं कर सकते कि आप यही गाड़ी से जाना है या यही जगह पे जाना है। या बैंक में अगर मुझे अकाउंट ओपन करना है तो कोई बैंक वाला मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मतलब वो प्रोडक्ट अगर मुझे नहीं अच्छा लगता है, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है या मेरे बजट में नहीं है,
तो ऑब्वियसली मैं वो प्रोडक्ट के लिए मना कर सकता हूँ। यहाँ पे किसी भी तरीके से सेलर जो है वो कस्टमर के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, और किसी भी तरीके से मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर सकते। मोनोपोली मतलब क्या कि एक अकेला सेलर और यहाँ पे क्या है मेनी बायर्स है करके, तो वैसे मोनोपोली वगैरह जो होती है वो यहाँ पे नहीं आती है। मतलब कस्टमर अपने हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। सो वही राइट में बताया गया है। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। नाउ राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी जरूरी है, जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए, मतलब क्या क्या वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल यूज किया गया है, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग देखते हैं पूरा अवेलेबल रहता है, यूजर मैनुअल मतलब प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसका मैनुअल, जैसे हेयर कलर वगैरह आप लोग परचेस करते हो तो आप लोग देखते हैं उसके अंदर यूजर मैनुअल होता है, यस ना। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होने चाहिए, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मतलब कि ये प्रोडक्ट को हैंडल करते समय क्या केयर लेना चाहिए, आप लोग देखते हो कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा रहता है कि कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, यस ना, तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये किए जाते हैं, या फिर कीप अवे फ्रॉम द स्किन एक्सपोजर, स्किन से आपसे एक्सपोज नहीं होना चाहिए वो चीज, ऐसे वो लोग क्या करते हैं वहां पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो काफी जरूरी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोडक्ट के ऊपर दी रहती है तो उसकी वजह से कस्टमर को राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में हेल्प होता है। प्राइस है, मैन्युफैक्चरर का नाम है, इंग्रेडिएंट है, हम लोग कभी भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हम लोग ये चीजों को पढ़ते हैं और जो चीज़ हमको सेटिस्फाई करती है, जो चीज़ हमको अच्छी लगती है उसके हिसाब से हम लोग वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर लिखी गई है ये हमको प्रोडक्ट को परचेस करने में हेल्प करती है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया तो मैं बोलूंगा कि मुझे नहीं खरीदना है, ये सुनो, या फिर कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उसका कोई इंग्रेडिएंट मेरे हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं है तो मैं वो प्रोडक्ट नहीं परचेस करूंगा। तो प्रोडक्ट की हर एक डिटेल जो है प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। ओके, सो ये बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिसिन हो गए, या कोई भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह हम लोग खरीदते हैं, कोई भी कंज्यूमर गुड्स वगैरह खरीदते हैं उसमें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कभी भी हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हम लोग को एक बार वो प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर उसकी डिटेल्स देखना जरूरी होता है। ओके, जिसकी वजह से हम लोग अपने लिए सही प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। नाउ अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, गलत तरीके से बिजनेस करना। ओके, अभी किस तरीके से गलत तरीके से बिजनेस होता है, देखो एक तो ब्लैक मार्केटिंग होता है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को ज्यादा दाम में बेचना, फॉल्टी वेट एंड मेजर्स, मतलब लिखा हुआ रहता है कि 500 ग्राम का है बट एक्चुअली में होता है 450 ग्राम। एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करना। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट वगैरह करना, आप लोग देखते हो सब्जियों के अंदर या ग्रोसरी के अंदर वगैरह अडल्ट्रेशन वगैरह होते रहता है। तो ये सारे जो मैंने आपको चीजें बताई ये सारे अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस है, मतलब ये सारी अच्छी चीजें नहीं है, और ये चीजें बिजनेसमैन अगर करता है इट मीन्स वो कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो अगर हम लोग को कहीं पे ये सब चीजें पता चलती है तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर, ये हमारा अधिकार है। सो किसी भी बिजनेसमैन ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रॉपर वेट और मेजर के साथ और प्रॉपर प्राइस में कस्टमर को ऑफर करना चाहिए। और एज अ कंज्यूमर हम लोग को अगर पता चलता है कि पर्टिकुलर बिजनेसमैन ब्लैक मार्केटिंग करता है या अननेसेसरी ज्यादा प्राइस लगाता है, मिलावट वगैरह करता है, तो हम लोग को उसके अगेंस्ट केस करना चाहिए। राइट टू बी हर्ड। नाउ हर्ड का मतलब क्या, सुनना। नाउ क्या होता है कि कस्टमर की कभी कभी कंप्लेंट्स होती है तो कस्टमर के कंप्लेंट्स को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। ओके, मतलब जब भी कस्टमर को कोई भी कंप्लेंट होता है या कोई भी क्वेरीज वगैरह होती है, ये कंप्लेंट और क्वेरी किसके बारे में होता है, तो जो मैंने अभी आपको बताया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब जहां पे कस्टमर के साथ किसी तरीके की चीटिंग हुई है, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाते हैं और अपने कंप्लेंट्स को वहां पे फाइल करते हैं। तो उस समय कस्टमर के कंप्लेंट को वहां पे सुनना चाहिए। कस्टमर के कंप्लेंट को अगर अनसुना किया तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि कस्टमर को जो है उससे डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। यहाँ पे वो जो कंज्यूमर फोरम है उन्होंने क्या करना चाहिए, कस्टमर के कंप्लेंट को सुनना चाहिए, उसको अश्योरेंस देना चाहिए कि उसको जस्टिस मिलेगा उसके जो भी उसके कंप्लेंट है उसके लिए।
यहाँ पे हर एक कंपनी जो होती है वो कंपनी का एक कंप्लेंट सेल होना चाहिए, सेल मतलब एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो क्या करेगा, कस्टमर के कंप्लेंट्स के साथ डील करेगा। तो ये हो गया आपका राइट टू हर्ड, मतलब कभी भी कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो कस्टमर वो कंप्लेंट सेल को कॉल करेगा और उनको बताएगा कि मेरे ये प्रोडक्ट जो है इसमें ये प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे, कस्टमर को अश्योरेंस देंगे कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर इन केस कंपनी ने वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो डेफिनेटली फिर वो कस्टमर क्या करेगा, कंज्यूमर फोरम के पास जाएगा और फिर कंज्यूमर फोरम जो है वो बिजनेसमैन के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो किसी भी तरीके से कस्टमर के कंप्लेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओके? उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना बहुत जरूरी है और ये जिम्मेदारी बिजनेस की भी है प्लस कंज्यूमर फोरम की भी है। कंज्यूमर फोरम ने भी कस्टमर को जस्टिस मिलने के लिए हेल्प करना चाहिए, कस्टमर के कंप्लेंट को सुनना चाहिए। राइट टू रिड्रेस, अभी मैंने आपको बताया कि कस्टमर के कंप्लेंट को सुनना चाहिए, तो सिर्फ कस्टमर के कंप्लेंट को सुनना नहीं चाहिए तो कस्टमर के कंप्लेंट को रिड्रेस भी करना चाहिए। रिड्रेस का मतलब क्या होता है, सॉल्व करना चाहिए, ओके? प्रॉपर जो कस्टमर की कंप्लेंट है उसका प्रॉपर सेटलमेंट होना चाहिए, फेयर सेटलमेंट होना चाहिए। अभी सेटलमेंट या फेयर सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में या फिर सर्विसेज में, तो उसको क्या करना चाहिए कि टाइम पे उसको रिपेयर करके देना चाहिए अगर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो, या उसको रिप्लेस करके देना चाहिए, या फिर अगर सपोज उसका कुछ नुकसान हुआ है तो उसको रीपेमेंट करना चाहिए। सो रिड्रेसल मतलब कस्टमर के कंप्लेंट को सॉल्व करना या सेटल करना, जिसमें रिपेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट को, रिप्लेस कर सकते हैं या रीपेमेंट कर सकते हैं किसको, तो जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या पुअर सर्विसेस है उसके लिए। नाउ कस्टमर अपने कंप्लेंट को रिड्रेस कराने के लिए कंज्यूमर फोरम के पास जा सकता है, जहाँ पे तीन कंज्यूमर फोरम्स है जहाँ पे जाके कस्टमर अपने कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। अगर आपकी 20 लाख रुपए की कंप्लेंट रहेगी तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके आपकी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हो। दूसरा उससे ऊपर होता है स्टेट कमीशन, जो स्टेट लेवल पे काम करता है। अगर आपका कंप्लेंट 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का है तो कस्टमर क्या कर सकता है, स्टेट कमीशन के पास जा सकता है और अपना केस फाइल कर सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो सुनवाई था उससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में भी कस्टमर क्या कर सकता है, स्टेट कमीशन के पास जा सकता है। और तीसरा उससे भी हायर लेता है नेशनल कमीशन। अगर कस्टमर की कंप्लेंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो कस्टमर क्या कर सकता है, नेशनल कमीशन के पास जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि स्टेट कमीशन की जो सुनवाई है उससे अगर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो नेशनल कमीशन के पास जा सकता है। तो ऐसे तीन रिड्रेसल फोरम्स बनाए हैं अलग अलग लेवल पे, जहाँ पे कस्टमर के अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और वो डिपेंड होता है कि आपकी कितने अमाउंट का या कितने वैल्यू का आपका कंप्लेंट है। तो इस तरीके से कस्टमर के कंप्लेंट को रिड्रेस किया जाता है, जहाँ पे या तो उसके प्रोडक्ट को रिपेयर करके दिया जाता है या रिप्लेस करके दिया जाता है या रीपेमेंट करके दिया जाता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, नाउ कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में, कंज्यूमर को माल प्रैक्टिसेस के बारे में, माल प्रैक्टिसेस मतलब मैंने जो आपको अभी बताया अडल्ट्रेशन वगैरह या एग्जॉर्बिटेंट प्राइस चार्ज करना या वेट और मेजर में कुछ प्रॉब्लम करना, तो ये सारे माल प्रैक्टिसेस हो गए जिसको हम लोग अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हैं, और कंज्यूमर गुड्स, ये तीनों के बारे में कस्टमर को जानकारी देना बहुत जरूरी है। मतलब कस्टमर के बीच में ये तीनों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब तक कस्टमर को उनके राइट्स के बारे में पता नहीं चलेगा, जब तक कस्टमर को मार्केट में किस तरीके से माल प्रैक्टिसेस हो रही है, मतलब किस तरीके से मिलावट होती है, जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हल्दी में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, मसालों में मिलावट होती है, गेहूं चावल में कंकन डाल के उसके अंदर मिलावट की जाती है, दूध के अंदर मिलावट की जाती है, ये सब चीज़ें कस्टमर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, ओके? और कंज्यूमर कोड्स के बारे में कि अगर इनकेस आपके अगेंस्ट कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो आप लोग कहाँ पे जा सकते हैं, तो ये सब चीजों के बारे में कस्टमर्स को बताना बहुत जरूरी है, जिससे कस्टमर का अवेयरनेस बढ़ता है। और एक बार कस्टमर का अवेयरनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन होगा नहीं। कस्टमर का अवेयरनेस बढ़ने की वजह से वो प्रॉपर रैशनल चॉइस ऑफ गुड्स कर सकता है। रैशनल का मतलब क्या, प्रॉपर चॉइस कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, और प्रोडक्ट खरीदते समय हम लोग को किस तरीके से अलर्ट रहना चाहिए कि हम लोग को हर एक चीज प्रॉपरली देख के जांच के हम लोग को खरीदना या कस्टमर को पता चलेगा,
ओके और उसी के साथ साथ कस्टमर का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा किसी भी डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन की तरफ से। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, और ये एजुकेट करने का काम कौन करता है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट करता है, मीडिया और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब लोग जो होते हैं वो लोग करते हैं। अभी ये एनजीओज वगैरह कौन है वो मैं आप लोगों को आगे एक क्वेश्चन है उसके अंदर बताऊंगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे जागो ग्राहक जागो के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जिसके अंदर फोन नंबर दिया रहता है कि अगर इनकेस कस्टमर को कुछ भी कंप्लेंट हो तो नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ऐसे पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं जिसके थ्रू कस्टमर को अवेयर किया जाता है कि कस्टमर किस तरीके से जागरूक रह सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं, किस तरीके से मिलावटें होती है उसके बारे में एक बुकलेट्स वगैरह आते हैं, जर्नल्स वगैरह आते हैं तो वो हम लोग पढ़ सकते हैं, या टीवी में एडवर्टीजमेंट आते हैं या रेडियो के ऊपर अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं या ये सब जो कैंपेन्स किए जाते हैं इसके थ्रू कस्टमर को एजुकेट किया जाता है कि किस तरीके से उनके अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है और उससे उनको बचना चाहिए। और लास्ट वाला है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। नाउ हेल्दी एनवायरनमेंट जो होता है वो सबका अधिकार होता है, सो कंज्यूमर को यहाँ पे हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए प्रेजेंट में और फ्यूचर में। कोई भी बिजनेसमैन जो है उसने पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं करना चाहिए, ओके और अगर सपोज कोई भी बिजनेसमैन पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट करता है तो कस्टमर क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट केस कर सकता है या उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, बिकॉज पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो सबका अधिकार है। तो कोई भी बिजनेसमैन एनवायरनमेंट को खराब करने की कोशिश नहीं कर सकता है उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस से या उनकी बिजनेस एक्टिविटी के वजह से। जैसे कि अगर सपोज कोई पर्टिकुलर बिजनेस है जिसके वजह से बहुत ज्यादा धुआं जो होता है वो बाहर आता है और उसके वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो होता है वो भी कस्टमर का अधिकार है। तो ये सारे राइट्स है कंज्यूमर के जो हम लोग को हमारे डे टू डे लाइफ में भी एक्सरसाइज करना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए, तब जाके हमारे अगेन जो एक्सप्लॉयटेशन है या जो भी माल प्रैक्टिसेस मार्केट के अंदर चल रही वो रोकने में हेल्प हो सकता है। ये मेरे URL है जहाँ से मैंने इमेजेस ली है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।